तो देवभूमि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एहसिन फातिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, राजधानी में कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ाया गया है और राशन सरकारी गल्ले की दुकानें गुरुवार शनिवार को ही खुली रहेंगी। तो बता दें आपको, निर्माण सामग्री की दुकानें गुरुवार शनिवार को ही खुली रहेंगी। डीएम ने यह आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। देहरादून में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। 10 मई तक कर्फ्यू लगा रहेगा। जरूरी सेवाओं की चीजों के लिए पाबंदी नहीं है। गुरुवार शनिवार को खुली रहेंगी राशन और गल्ले की दुकानें। निर्माण सामग्री की भी दुकान गुरुवार शनिवार को खुली रहेगी। तो डीएम ने आदेश जारी किया है। विशेष संवाददाता सुदीप जैन देहरादून से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है देहरादून में। इन सब के बीच क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा? सुदीप, देखिए, एसेंशियल सर्विसेज में जो सरकार ने पहले छूट दी थी, निर्माण कार्यों से जुड़ी इकाइयों, उनको सप्लाई करने वाली जो मटेरियल की दुकानें थी, एजेंसी थी या लॉट थी, और राशन, इन दो को रोका गया है कि ये पर डे नहीं खुलेंगे। एसेंशियल तो ये है, ये बृहस्पतिवार और शनिवार को ही खुलेंगे क्योंकि सोमवार तक फिलहाल कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। आज ये दुकानें खुली थी, इसके बाद अभी शनिवार को खुलेंगी। साथ ही जो नवीन गल्ला मंडी है, जो नवीन मंडी परिसर है पटेल नगर में, उसमें अब सिर्फ होलसेल जो खरीदते हैं सब्जियां वो जा सकेंगे। ग्राहक व्यक्ति, आम व्यक्ति जिसे एक किलो आधा किलो चीजें लेनी है, वो अपने गली मोहल्लों या ठेली रेड़ी से फल सब्जी आदि खरीदे। व्यवस्था की गई है ताकि बहुत अधिक भीड़ भड़ाका ना हो, लोग कम रहें, आपसी दूरी का पालन करें और जो व्यवस्था की गई है, जो कर्फ्यू की मूल भावना है, उसका पालन हो सके। ये रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया कि लोगों का परेशानी भी ना हो और नियमों का पालन भी हो। तो दोनों चीजों का सामंजस्य बैठाते हुए, तालमेल बैठाते हुए ये तैयारी सरकार ने की है, जिसको आदेश कल जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जारी की। ठीक है, कर्फ्यू का पूरा पालन हो, क्योंकि असल मकसद यही है कर्फ्यू का, कोरोना की चेन को तोड़ना है। तो उस पालन के लिए क्या कुछ इंतजाम है धरातल पर? देखिए, इसके लिए सख्ती ही एक मोटे तौर पर इंतजाम है, जिसमें वाहनों को चालान किया जा रहा है, अनावश्यक घूमने वालों के वाहन सीज भी किए जा रहे हैं। पुलिस का एक वाजिब तर्क यह भी है कि लोगों की आपात स्थिति में खाना, मेडिसिन और सिलेंडर तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड पुलिस वास्तव में एक नजीर पेश कर रही है जी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर तक मुहैया करा रही है। एसडीआरएफ के जवान बाइक से घूम घूम कर लोगों के घर पहुंचकर होम आइसोलेशन किट दे रहे हैं, फोन करके उनका हालचाल ले रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है ये भी पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ये समझना होगा कि 7000 प्लस केस पहुंच चुके हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो लोग खुद का सेल्फ लॉकडाउन की ओर अब बढ़े और इसका पालन करें। आवश्यक किसी भी चीज पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नियमों में रहना होगा। चलिए सुदीप, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और ऐसे में लोगों को कर्फ्यू का पालन करना ही पड़ेगा। देहरादून से ही खबर है, सचिव पंकज पांडे ने जारी किया है आदेश। रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर आदेश दिया गया है। तो रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया गया। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है और बहुत तेजी से हमने देखा इसकी कालाबाजारी, जमाखोरी बढ़ी है। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट हर छोटी बड़ी स्थिति पर नजर रख रहा है। हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिए थे, उसी के क्रम में जो सचिव स्वास्थ्य हैं डॉक्टर पंकज पांडे, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। ये गलत हाथों में ना जाए और हर जरूरतमंद को भी मिले, ये दोनों ही व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोलर से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तहसील स्तर पे उनको निर्देश दिए गए हैं। इनके इस्तेमाल सही हुए या नहीं, इसकी भी रेंडम तरीके से जांच की जाएगी ताकि हर जरूरतमंद तक इंजेक्शन पहुंचे। राज्य में विशेष विमान भेजकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के प्रयासों से ये इंजेक्शन आए थे। हालांकि भारत सरकार ने एक और खेप भेजी है, उससे भी निजी अस्पतालों को ये इंजेक्शन मिल रहे हैं। जरूरतमंदों को इंजेक्शन मिले और एक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एक आदेश जारी हुए हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल माना जा सकता है। और यही अगर रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी होती है, जो कालाबाजारी करता है, तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई होगी? देखिए, असेंशियल कमोडिटी एक्ट में अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कल भगवानपुर पुलिस ने पकड़ा है, थाना प्रभारी पीडी भट्ट की टीम ने। इसी प्रकार से ऑक्सीमीटर ओवर रेट करके बेचा जा रहा था राजपुर में, वो एसटीएफ की टीम ने गोपनीय रूप से पकड़ा। कल डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग ने आदेश दिए हैं कि जमाखोरी कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा, उत्तराखंड पुलिस ने एक मानवीय पहल भी की है, जो इस तरीके के साजो सामान सीज किए जाएंगे वो तत्काल, क्योंकि ये सीज किया हुआ सामान कोर्ट प्रॉपर्टी हो जाता है, ये कोर्ट के माध्यम से छुड़वा के संबंधित सीएमओ अथवा संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों कर्मियों को दिया जाएगा, ताकि ये तत्काल जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये कहीं थाने में केस प्रॉपर्टी बनकर सड़ता ना रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए। एसटीएफ इसमें विशेष रूप से काम कर रही है, एसएसपी एसटीएफ जो अजय सिंह है उनकी पूरी टीम प्रदेश पर नजर रखी हुई है डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों पर। चलिए, रेमडेसिविर के इस्तेमाल के लिए आदेश जारी किया गया, आप बने रहिए सुदीप, आपके पास लौटेंगे। और ऐसे में सचिव पंकज पांडे ने यह आदेश जारी किया है। खबर यह भी देहरादून से है, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सांकेतिक धरना। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का सरकार पर हमला, कोरोना काल में आंकड़ों की बाजीगरी पेश की जा रही है, प्रीतम सिंह का ये आरोप है। तो बता दें आपको, कांग्रेस कोरोना को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है, अब ये कहा जा रहा है आंकड़ों को लेकर बाजीगरी की जा रही है। आज हम सांकेतिक उपवास पर हैं, प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर रही है और एक दिन में लगभग 7,000 से ऊपर कोरोना से संक्रमित मरीज आ रहे हैं। मृत्यु दर भी जो है, मैं कह सकता हूँ कि देश में सर्वाधिक उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदार है, ना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना आईसीयू बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ना वेंटिलेटर उपलब्ध है, ना इंजेक्शन उपलब्ध है। जितने भी चीज़ें कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए काम में आती है, सब पर कालाबाजारी हो रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। आज हम सांकेतिक उपवास पर हैं, प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार यहाँ पर हमलावर है, कोरोना को लेकर कोरोना के आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जा रही है, ये कांग्रेस का आरोप है प्रदेश सरकार पर। सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ लाइव। सुदीप, आप जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कांग्रेस का ये इल्जाम है, कांग्रेस का ये आरोप है सरकार पर कि हेल्पलाइन नंबर इतने जारी कर दिए गए कि आम आदमी कंफ्यूज है, वो किससे क्या बात करे, और एक अधिकारी यदि फोन उठाता है तो दूसरे पे टालता है। नोडल कहता है सीएमएस से बात करिए, सीएमएस कहते हैं मुझे अधिकार नहीं, आप सीएमओ से बात करिए, सीएमओ कहते हैं अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात कीजिए, आखिर आम आदमी किससे बात करे। लिहाजा कांग्रेस ने आज सरकार को घेरा, कुछ मुद्दों पर सरकार पर यह भी आरोप है कि सरकार ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रही है, एक आम आदमी को सांस नहीं दिला पा रही है, और मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कैसे भी व्यवस्था करिए और ऑक्सीजन आपकी व्यवस्था करिए, ताकि जी, तो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने सरकार को घेरा है, आरोप लगाया है कि सरकार में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से आम आदमी परेशान है, आम आदमी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं है। अस्पतालों में बहुत बड़े लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही है, इलाज मिल रहा है, राज्य का आम आदमी परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। तो नरेंद्र नगर से खबर मिल रही है, नरेंद्र नगर में दम तोड़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं, जिला अध्यक्ष हिमांशु, बता दें आपको बिजलवाड़ ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की मांग की है, अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की पूर्ति होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। देवप्रयाग और नरेंद्र नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से
मांग की है और उप जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल स्टाफ, आईसीयू वार्ड के अस्पतालों में लगातार कमी बनी हुई है। बता दें ज्ञापन की प्रमुख मांगों में नरेंद्र नगर स्थित श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बंद पड़े आईसीयू वार्ड को चालू करने की मांग के साथ साथ सभी क्षेत्र के सभी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की पूरी तरह से तैनाती की मांग की गई है। साथ ही नए पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा से लैस 20-20 बेड स्थापित करने की भी मांग की गई है। महामारी कोरोना के चलते आज उप जिलाधिकारी नयन नगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो एक ज्ञापन दिया है, हमारी प्रमुख मांगे जो अस्पतालों में अव्यवस्था है उनको व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। एकमात्र नयन नगर में जहाँ की आईसीयू तीनों वार्ड होने के बावजूद भी एक भी आईसीयू का संचालक वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है। हमने आग्रह किया है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत निस्तारीकरण किया जाए और इसी संदर्भ में हमने आज उप जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी। तो खबर हल्द्वानी से, एसडीएम ने फल और सब्जी मंडी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद व्यापारियों को निर्देश दिया है सब्जी और फल मंडी में अपनाया जाए ऑड इवन फॉर्मूला। तो हल्द्वानी के मंडल पड़ाव सब्जी और फल मंडी में लगातार हो रही भारी भीड़ को लेकर प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सब्जी और फल मंडी में ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिससे कि भीड़ को काबू में किया जा सके। एसडीएम विवेक रॉय और एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी मंडी और फल मंडी में ऑड इवन के तरीके से सब्जी और फलों की दुकानें लगाई जाएंगी, तो वहीं सब्जी मंडी के बीच की दुकानों को मरेली रोड और रामपुर रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा जिससे मंडी में ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। उन्होंने मंगल पड़ाव सब्जी मंडी और फल मंडी का निरीक्षण कर व्यापारियों को निर्देश दिए ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो सके और ना ही संक्रमण फैल सके। देख रहे हैं रोज़ जो है लोग भीड़ ज़्यादा कर दे रहे हैं, लोग अव्यवस्थित कर दे रहे हैं मंडी को, तो इसको लेकर के एक हमने व्यापारियों के साथ बैठक किया। पहले एसपी सिटी सीओ साहब और जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं और चौकी इंचार्ज हैं, इन सभी लोगों के साथ भ्रमण करके व्यापारियों के साथ वार्ता करके यह तय किया गया है कि मंडी के अंदर बीच की लेन नहीं लगेगी और ऑड इवन के सिद्धांत पर केवल 50% दुकानें लगेंगी। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो मंडी के अंदर दुकान नहीं लगाएंगे। साथ ही जो फल की दुकान है वो सारी की सारी दुकानें बरेली रोड पे जाएंगी। ऐसी व्यवस्था लागू करके हम भीड़ भाड़ को नियंत्रित कर पाएंगे और कल से इस व्यवस्था का जो पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। सर दुकानें कम लगेंगी तो सर महंगी भी तो बेचेंगे सर? दुकानें कम नहीं लगेंगी, ये दुकानें यहाँ से हट के उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि बरेली रोड, रामपुर रोड और आपका चौकी रोड, इस तरीके से जगहों पर अन्य बाजार है वहाँ पे तो दुकानें बंद हैं, लेकिन जो फल और सब्जी मंडी है यहाँ पे प्राय है देखने में आ रहा है कि लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में आज फिर पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पे जगह जगह पे घूमकर लोगों को आगाह कर रही है और ये निर्णय लिया गया है कि अब जो फलों की दुकानें हैं और जो ठेले बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए हैं इस बीच में, उन सभी को हाईवे में एक डिस्टेंस के साथ लगाया जाएगा जिससे कि लोग यहाँ पे कम आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संक्रमण को रोकने में सभी लोग मदद कर सकें। और इस बीच खबर रुड़की से, बाजारों में कोविड नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, दुकानदारों में पुलिस प्रशासन का नहीं है कोई खौफ। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी पड़ी है पूरी तरीके से भीड़, भीड़ के चलते बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा, पुलिस प्रशासन की अनदेखी से हो सकता है कोरोना विस्फोट। तो ऐसे में काशीपुर में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है। आपको बता दें कि
तो बता दें आपको, काशीपुर में संक्रमण की दूसरी प्रचंड लहर में कोरोना महामारी से देश और प्रदेश के साथ साथ काशीपुर साथ ही आसपास की जनता भी सुविधाओं के अभाव में लगातार दम तोड़ रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। राजनीतिक चमकाने के चक्कर में सत्ता को विपक्ष उसकी कमियां गिना रहा है, वहीं राजनीति को दरकिनार करते हुए काशीपुर के समाजसेवी एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाने के उद्देश्य तथा जनता की सुविधा के लिए आगे बढ़कर प्रशासन का सहयोग करते हुए राजकीय चिकित्सालय एलडी भट्ट में सहयोग करते हुए डॉक्टर, फिजिशियंस, टेक्नीशियंस तथा नर्सें उपलब्ध कराकर सभी सुविधाओं से सुसज्जित 25 बेडों समेत 2 कोविड वार्डों को संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव कुमार और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पी के सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया, ताकि क्षेत्र की जनता को भटकने के बजाय समय पर बेहतर उपचार मिल जाए। साथ ही आप नेता दीपक बाली ने प्रशासन से कोरोना महामारी में आगे भी हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। बता दें आपको, उपजिलाधिकारी गौरव कुमार सिंगल ने बताया है कि काशीपुर क्षेत्र में बासपुर रोड स्थित हरी गैसेज प्लांट और हरियावाला स्थित लिक्विड गैसेस 2 ऑक्सीजन प्लांट है। दोनों ऑक्सीजन प्लांट से बात की गई है कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक केवल काशीपुर क्षेत्र के ही अस्पतालों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। इनके सहयोग से यहां पर जो प्रस्ताव दिया गया था मंजूर कराया और जन सहयोग से ये चीज़ शुरू हो गई है और सबका आभारी हूँ और सबका धन्यवाद है। पाएगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। CDO साहब का, DM साहब का, हमारे SDM साहब का, CMS साहब का, सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लखीमपुर शहर में सरकारी अस्पताल में, लक्ष्मण दास भट्ट अस्पताल में 25 वार्ड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। ये मेनली जन सहयोग से शुरू किया गया है, बाली जी का भी सहयोग रहा है और हमारे CMS साहब, CMO साहब, CDO साहब, DM मैडम सबके सपोर्ट से इसको आज शुरू किया जा रहा है। और अभी उम्मीद है कि हमारे शहर के जो मरीज हैं, जिनका जो निजी अस्पताल में जाने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज हम सरकारी अस्पताल में कर पाएंगे। हरिद्वार में बंगाल हिंसा को लेकर BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, ज्वालापुर देहात में BJP विधायक सुरेश राठौर ने अपने कैंप कार्यालय पर कोविड गाइडलाइन का पालन कर धरना दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर ये सब हमले और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। BJP नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या करवाई जा रही है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है। इसके चलते हमने आज धरना दिया है और SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। TMC सरकार जो बनी है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, हत्याएं की हैं, आगजनी की हैं, उत्पीड़न किया है, तोड़फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं। ये जो बलात्कारों की घटनाएं घटी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज अपने ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिद्वार के जगजीतपुर में अस्पताल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस नेता विशाल राठौर ने कहा कि BJP सरकार ने एक साल पहले हरिद्वार के जगजीतपुरा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के साथ ही बड़े अस्पताल के निर्माण कराने की बात कही थी। अस्पताल के लिए हरिद्वार नगर निगम ने भूमि का आवंटन भी कर दिया था, लेकिन एक साल बाद भी वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी कोई सुविधा नहीं है, केवल मरीजों को रेफर किया जा रहा है। वहीं मेयर प्रतिनिधि कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा है कि आज यदि इस अस्पताल का निर्माण हो गया होता तो ये दिन न देखना पड़ता।
हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इलाज के नाम पर अस्पताल वाले लोगों को लूट रहे हैं। सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ। अस्पताल वाले लूट रहे हैं, एक एक बेड के 20-25 हज़ार रुपए रोज के वसूले जा रहे हैं। आज अगर हमारा अस्पताल बन गया होगा जगजीतपुर में, तो ये दिन हरिद्वार को ना देखने पड़ते, ये दिन गरीब आदमी को ना देखने पड़ते। अमीर आदमी तो लूट ही रहा है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए जिसकी जेब में सिक्का नहीं है, वो कहाँ जाए। सरकारी अस्पतालों में सुविधा ही नहीं है, एक तरफ वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनों की लूट हो रही, हर चीज की लूट है सरकार में। मदन जी ने वो कर दिया। तो आज जो है अगर इसका कोई दोषी है तो मदन जी हैं, क्योंकि वो श्रेय लेना लेते हैं, तो आज जो है उनको ये पूर्व यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने जगजीतपुर में हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया था, 500 बेड के अस्पताल के लिए निगम ने भूमि दी थी, और एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखिए वहाँ पर केवल बोर्ड ही है और वहाँ पर अस्पताल का कार्य कुछ भी शुरू नहीं हो पाया। आज पूरा देश कोरोना के कारण त्राही त्राही कर रहा है, और हमारे हरिद्वार में लोग ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से रोज गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम मानवता के दुश्मन हैं, आज भाजपा के भी कई नेता गुजर चुके हैं और कई हमारे परिचित भी गुजर चुके हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा और इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया। और गरीब जनता के लिए तो अस्पताल के नाम पर बहुत खुला खेल चल रहा है कि गरीब जनता को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है ना वेंटिलेटर वाले बेड। तो खबर देहरादून से वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ियां मिलेगी। शव के दाह संस्कार के लिए वन निगम निःशुल्क लकड़ियां देगा। खबर काशीपुर से, शादी समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन। शादी समारोह में 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत है, जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटाने पर पुलिस की कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ITI के सत्यम पैलेस में आयोजित था शादी समारोह। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू को मजाक समझने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया है, और ऐसे में शहर से सटे हनुमान चौक पीपल मंडी इलाके में पुलिस ने व्यवस्था बदल दी है। पुलिस ने अब मोती बाजार सब्जी मंडी के गेट पर ही बैरियर लगाने के साथ साथ हनुमान चौक में प्रवेश करने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने बेवजह बाजार में घूमने वाले दो पहिया वाहनों को सीज करने का फैसला लिया है। दुकान को खुलना नहीं था, इसको कई बार बता चुके हैं, तो इस दुकान वाले चूँकि ये बताते हैं कि हमारी बिस्कुट की दुकान है और बिस्कुट अलाव है, बेकरी अलाव है, इसके एवज में ये खोलें, जबकि ये बताया गया है कि बेकरी का आइटम जो बना रहे हैं उनको ही अलाव है। इस संबंध में चालान की कार्रवाई जो भी होगी वो की जाए। तो खबर ये देहरादून से, मेयर सुनील उनियाल गामा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और ऐसे में कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए संक्रमित होने की जानकारी दी है, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की भी अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।